नंदनी भैया, नंदनी भैया लवकर, मेरे पति का नाम है भैया शंकर लवकर। कहीं बैठे हैं? कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। नंदनी भैया लवकर, मेरे पति का नाम है भैया शंकर लवकर। पता सूरत बाईपास चक्कर बर्डी रोड धूलिया। सही बोला है? हैं? ठीक है, तुम समझ गए ना? बस मोबाइल नंबर ही है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मैं भगवान शिव का क्या वर्णन करूं गुरुदेव? जब मुझे डॉक्टर को दिखाने के लिए लेकर गए तो मेरे गर्भ में दो बच्चे थे। दोनों बच्चों का इलाज डॉक्टर के हिसाब से चलता रहा। छठा महीना आया, छठे महीने में हम डॉक्टर को, जब पेट में बहुत दर्द हुआ तो मैं अपने पति के साथ और परिवार वालों के साथ डॉक्टर को दिखाने के लिए गए। मेरे पति भी मेरे साथ में थे, परिवार के लोग मेरे साथ में थे। तो डॉक्टर को छठे महीने में दिखाया तो डॉक्टर ने सोनोग्राफी करी, अल्ट्रासाउंड करा। सोनोग्राफी में मालूम पड़ा कि मेरे दो बच्चे में से एक बच्चा मर गया। मेरे बच्चे की, एक बच्चे की जान चली गई। अब डॉक्टर ने कहा कि छठा महीना चल रहा है, तुम्हारा एक बच्चा मर गया है, दूसरा बच्चा भी मर सकता है और तुम्हारी भी जान जा सकती है, तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा और इस बच्चे को बाहर निकालना पड़ेगा। गुरुदेव, डॉक्टर के हिसाब से छठे महीने में अगर दूसरा बच्चा भी होता है तो वो मरा हुआ ही होगा। एक तो इतने सालों के बाद बाबा ने संतान दी और दूसरी बात, सालों निकल गए संतान नहीं हुई और बाबा ने दी तो ऐसी दी कि मेरा पहला जो दो बच्चे थे उसमें से एक गर्भ में मर गया। हमने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब कोई दूसरा इलाज हो, एक बच्चा मर गया है परंतु तो दूसरा बच्चा तो बच जाए। डॉक्टर बोले गर्भाशय में दो बच्चे हैं, अगर एक मर गया है तो उस बच्चे को निकालने के लिए दूसरे बच्चे को भी निकालना ही पड़ेगा, इसके सिवाय कोई चारा नहीं है और तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि बच्चे को मरे हुए एक दिन पूरा हो गया, उसका जहर शरीर में फैलना चालू हो जाए। गुरुदेव, हम घबरा गए, वापिस घर पर आकर विचार करा कि अब ऑपरेशन कराएं तो कराएं कैसे, बड़ी मुश्किल से तो बाबा ने बच्चा दिया, उसमें से एक मर गया, उसका जहर फैलना चालू हो रहा है और डॉक्टर बोल रहा है माँ और बच्चे दोनों के लिए घातक है, क्या करें? तब मेरी सास ने कहा कि शिव जी का भजन करते हैं, बाबा अगर विष पी सकता है तो बाबा हमारे बच्चे के प्राण भी बचा सकता। डॉक्टर ने कह दिया था कि अब तुम्हारी जवाबदारी पर घर जा रहे हो, ये बच्चा पेट में मर चुका है, अब तुम्हारी जवाबदारी। छठा महीना शरीर में कष्ट बहुत था, हमें लग रहा था कि वो बच्चा मर गया तो दूसरा भी मर ही हो जाएगा, पर बाबा पर भरोसा। तीन महीने जिस मां को मालूम हो कि गर्भ में बच्चा मर गया और तू दूसरा बच्चा भी मरेगा और तुझे भी प्राण जा सकते हैं, तीन महीना कैसे निकाला होगा? केवल एक काम करती थी गुरुदेव, शिवजी के मंदिर में बैठकर पांच बार जया विषहरा शामली वारी दौतली देव, उस शंकर की पांच लड़कियां आप कहते हो ना जो विष को खींचती है, उनका नाम लेकर पानी पीती थी। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, मैंने नौ महीने निकाल दिए, 12/7/2023 को मेरी डिलीवरी हुई तो डॉक्टर भी आश्चर्य में था, एक बच्चा मरा हुआ और एक बच्चा जिंदा पैदा हुआ। मैं उस बच्चे को लेकर यहां कथा में आई हूं गुरुजी, आप आशीर्वाद दें। कहीं बैठी हो तो बच्चे को लेकर आप व्यासपीठ के नजदीक में आ सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो। नंदनी भैया लवकर,
मेरे पति का नाम भैया शंकर लवकर, पता है सूरत बाईपास चक्कर बर्डी रोड धूलिया, मेरा मोबाइल नंबर ये है। ये शिव तत्व है। बहुत बहुत।